नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें 5 राज्यों के विधानसभाओं की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है शाम 5 बजे। बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चर्चा होगी, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। दोनों राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के विधानसभा जो चुनाव होने हैं उनकी रणनीति क्या होगी, क्या पैठ होगी, किस तरीके से चुनाव आगे संपन्न कराए जाएंगे, इस पर आज विचार विमर्श होगा। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होने जा रही है। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी, जो कि पार्टी मुख्यालय पर आयोजित होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के तमाम सदस्य हिस्सा इसमें लेंगे। और हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी चारुल इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। चारुल, देखिए बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, और इस बैठक के यदि हम मायने निकालने की कोशिश करते हैं तो साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। फोकस यदि की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के फोकस है और मध्य प्रदेश इसमें फोकस रखा गया है। इसके अलावा और किन मायनों में ये बैठक और महत्वपूर्ण हो जाती है चारुल? बिल्कुल, देखिए दीपिका, सबसे अहम चीज़ है, ये बात तो स्पष्ट है कि 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान। ऐसे में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मौजूद रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 15 सदस्यीय टीम जो है वो इसमें शामिल रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की है, कई सीटें ऐसे भी हैं जहां पर कम मार्जिन में जीत मिलती है। इसको देखते हुए डी और सी कैटेगरी जो है वो डिवाइड की गई है। सी कैटेगरी में वो सीटें होंगी जहां पर कभी भी आप देखें कि जीत तो मिली है लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा है। डी कैटेगरी वो सीटें होंगी जहां पर जीत मिलती ही नहीं है, इस लिहाज से इन्हें डिफ्रेंशिएट जो है वो किया जाएगा। अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश की तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो दिल्ली में है, जो कि इस बैठक में रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो ये बीजेपी जानती है कि यहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। आपने ये भी देखा है कि जिस तरह से ये गठबंधन बना है विपक्षी पार्टियों का, उसके बाद ये समझना और ज्यादा जरूरी है कि दबाव कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है। आप देखिए कि अभी 3 महीने हैं लेकिन उससे पहले ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और सीसी की बैठक होना खुद में अहम हो जाता है। कमजोर सीटों पर इसमें मंथन किया जाना है, रणनीति बनाई जानी है। आप ये भी देख रहे हैं कि देखिए चुनाव चारों नजदीक है, उस पर फोकस होगा, लेकिन बहुत अहम तब हो जाता है कि अक्सर देखा है कि अमूमन चुनावों की घोषणा से पहले बीजेपी चुनाव समिति की बैठक नहीं करती है। यह आपने देखा होगा इतिहास, दिया बीजेपी के खंगालेंगी, लेकिन अब इस वक्त यह बैठक की जा रही है तो कई मायने हैं। यानी कि ये जो बैठक है कहीं ना कहीं चारुल ये संकेत देती नजर आती है कि भाजपा इन चुनावों में जोखिम लेने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, देखिए जोखिम लेने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है, इसी के लिहाज से आप सब चलिए। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी वह भी जुड़े हुए हैं। गौरव, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से चारों में बात हो रही है कि लगातार आज महत्वपूर्ण बैठक है, और यदि हम इतिहास पर नजर दौड़ाते हैं तो कभी भी चुनावों से पहले बीजेपी की ये बैठक नहीं होती, चुनाव समिति की बैठक नहीं होती, लेकिन अब ये बैठक आयोजित हो रही है। जाहिर सी बात है कि अब चुनाव चूंकि नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी होने 5 राज्यों में, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, यहाँ पर अलग तरीके से कोई स्ट्रेटजी बना की योजना है। गौरव, क्या माने इसको हम? देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनावी मूड में रहती है। तमाम राज्यों के जो चुनाव होते हैं हम लगातार देखते हैं कि किस तरीके से उसको लेकर के लगातार जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो की जाती हैं। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, जाहिर सी बात है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से सिर्फ 1 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी रिव्यू करेगी आज की इस बैठक में कि समय रहते हुए
एक एक विधानसभा सीटों पर खास करके विधायकों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि कौन कहां से स्टैंड कर सकता है, तो ताकि समय रहते हुए टिकटों का जो अनाउंसमेंट हो वो हो सके। और केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है, खास करके ये माना जाता है कि बीजेपी बिना रणनीति के कोई काम नहीं करती है, तो आज की जब बैठक होगी तो एक एक सीटों को लेकर के खास करके उन राज्यों में, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ की बात करूँ, खास करके राजस्थान पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा सीटों को लेकर के। तो ये जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उन सभी राज्यों की एक एक सीटों पर समीक्षा की जाएगी, क्या तैयारियां रहने वाली हैं, किसको टिकट देना है, कौन कहां से फाइट अच्छे से कर सकता है, एक एक ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर के चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इस बैठक को किया जाएगा। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर जरूर फोकस करते हैं कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है, जो चुनाव से पहले एक जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आम जनता को कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, वो कौन सी ऐसी केंद्र सरकार की नीतियां हैं जो आम जनता को बीजेपी के साथ सीधा कनेक्ट करेंगी, उस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो लगातार लगातार सक्रिय हैं, कमलनाथ की बात करें वो भी सक्रिय हैं। इस बीच जरा आप नजर दौड़ाएं उन तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो फ्री बीज गारंटियां हैं उसकी काट भी यहां ढूंढना बहुत जरूरी हो जाएगी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं। गौरव, देखिए उसी बात को मैं यहाँ पे पूरा कर रहा था कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने मौजूदा समय में इस बात पर फोकस किया कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो योजनाएं जन जन तक पहुँच रही हैं। और उसको लगातार मध्य प्रदेश में हमने देखा कि तमाम योजनाएं जन जन तक पहुँचाने का जो काम है उनके तरफ से किया जा रहा है। ये जो बैठक है, इस बैठक में ये भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं जो केंद्र की तरफ से चलती हैं राज्यों के लिए, उन योजनाओं को कैसे आम जनता तक बताना है कि ये जो योजनाएं हैं आम जनता तक केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीते 3 से 4 महीने पहले पूरे संगठन को बदला गया, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नए तरीके से स्टैंड किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर। और छत्तीसगढ़ में भी काफी अनुभवी चेहरा उनके पास रमन सिंह के तौर पर, जो कि कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा प्लस पॉइंट होगा, बीजेपी इस पर भी चर्चा करेगी। ये जो महत्वपूर्ण बैठक है इसमें अभी फिलहाल में उन राज्यों के उन सभी सीटों पर फोकस किया जाएगा कि जहां से अगर कहीं से कोई सीट कमजोर है वहां पर किसी और कैंडिडेट को टिकट देने की बात होती है, तो समय रहते हुए इस समीकरण को सेट किया जा सके। इसीलिए हम संक्षेप में कहें गौरव, तो ये एक होमवर्क है, एक होमवर्क करने की तैयारी है, कुछ गलतियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। और ये बीजेपी की खूबी हम इसे कह सकते हैं, जिसे शायद दूसरी पार्टी भी सबक ले, क्योंकि बीजेपी का जो मकसद होता है वो बूथ लेवल से लेकर हर एक जगह को मजबूत करने की कवायद होती है। तो बीजेपी एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी में लग जाती है। कर्नाटक उदाहरण हमने देखा, कर्नाटक में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा लेकिन तुरंत मूवमेंट किया गया दूसरे राज्यों की ओर, तुरंत प्रधानमंत्री चले गए, गृहमंत्री चले गए अन्य राज्यों का दौरा करने के लिए। ये बीजेपी की खूबी है, इसीलिए ये जो समिति है, चुनाव समिति की बैठक है, महत्वपूर्ण हो चली है। गौरव, बिल्कुल, देखिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और जाहिर सी बात है तमाम चीज़ों को लेकर के एक जो रिव्यू है वो किया जाएगा। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगातार, जैसा कि मैं इस बात को कह रहा हूँ कि खास करके ये जब बैठक होती है तो ये बड़ा मैसेज बाकी दलों के तरफ भी चला जाता है कि आखिर इस बैठक में क्या आप टिकटों का बंटवारा होने वाला है या नाम तय होने वाले हैं। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि आज की बैठक में खास करके जिन 5 राज्यों पर चर्चा होनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ आज ये भी चर्चा बैठक में हो सकती है, खास करके मध्य प्रदेश की 50 से 60 सीटों पर जो नाम है उसको लेकर के भी सहमति बनते नजर आ सकती है, जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान को लेकर के जो पूरा खाका तैयार किया गया है, आज उस खाका को उस पर भी एक जो रिव्यू है वो किया जाएगा। तो ये जो 2 स्टेट हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आप मिजोरम चले जाइए, इसके अलावा आप तेलंगाना चले जाइए, तो ये जो हिस्से हैं यहाँ पर भी पार्टी को पता है कि किस तरीके से काम करना है, क्या ऐसी बातें हैं जो ग्राउंड पर लेके जानी है। और खास करके आप देखिए को भी खत्म करने भी एक चुनौती से कम नहीं होगा, और यही चीजें आज नोटिस की जाएंगी और इन्हीं पर चर्चा भी होगी। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी देने के लिए।